वेलकम टू हिंदी क्लास। तो आपने इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा है, लिखा भी है, लेकिन यह के बाद क्या आता है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। यह के बाद आता है ट से टमाटर। ट से टमाटर, ट से टमाटर लाल होता है। ट से टमाटर लाल होता है। ठ से ठप्पा होता है। ठ से ठप्पा होता है। ड से डमरू बजता है। ड से डमरू बजता है। ढ से ढ होते है। ढ से ढ होते है। बाना का घर है खाली। बजाओ बच्चों ताली। कैसी लगी मेरा सा? अच्छा लगा? तो चलो फिर, तो सबसे पहले ट से टमाटर कैसे लिखते हैं मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलो ओपन योर हिंदी बुक। किए ठीक है, पेंसिल इरेजर निकालो, मेरे साथ आप लिखो, लिखना आता है तो, नहीं तो फिर प्रैक्टिस करके लिखो, ठीक है? हाँ तो चलो फिर, सबसे पहले पेंसिल लो आप। मैंने तो चौक लिया, पेंसिल लो। तो सबसे पहले टू लाइन का तो बुक है ना? हाँ, उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन लो, दिए? ठीक है। इसके बाद एक छोटी स्टैंडिंग लाइन लो, दिए? हाँ। सेकंड स्टेप में स्टैंडिंग लाइन तक तो आप आ गए। इसके बाद आपको ऐसे हाफ सर्कल निकालना है। निकाला? हाँ, इजी है ना ट से टमाटर निकालना? हाँ देखो, मैंने ट से टमाटर निकाल भी दिया है। कंप्लीट हो गया आपका ट से टमाटर, बहुत इजी है ना? हाँ तो चलो फिर लाइन कंप्लीट करेंगे। ये सबसे पहले स्लीपिंग लाइन, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद हाफ सर्कल। कंप्लीट हो गया ट से टमाटर। चलो लाइन तो कंप्लीट करना है आपको, तो हाफ सर्कल बड़ा वाला निकाला है ना? हाँ, तो और एक निकालेंगे, और एक हो गया ये। ए, छोटा हुआ क्या? इरेज करो। ठीक है, छोटा हो गया ये, इसको बड़ा निकालेंगे। ठीक है, ये देखो बड़ा निकाला ना? हाँ, तो और एक निकालती हूँ। टसे टमाटर, क्या बोलती इसको? टसे टमाटर। ओके, समझ में आया है? तो ये टसे टमाटर आपका कंप्लीट हो गया है। लिखना है आपको? हाँ, वन पेज। ठीक है, तो टसे टमाटर के बाद क्या आता है? यहाँ पे मैंने टमाटर निकाला भी है। सबसे पहले मेरे को आज बताओ, आप टमाटर खाते हो? खाते हो? कौन से कलर का रहता है बताओ? बताओ कौन से कलर का रहता है? कौन से? रेड कलर का। हाँ रहता है रेड कलर का टमाटर। हाँ तो टमाटर रेड कलर का रहता है, खाने में भी कैसे लगता है? कैसे लगता है? मीठा लगता है थोड़ा। हाँ तो एक तरह से टमाटर भी आपको लिखना अभी बताया है। तो उसके बाद ठ से ठप्पा। ठ से ठप्पा देखो मैंने यहाँ पे निकाला है, भारत देश का ठप्पा ये। हाँ तो ये ठप्पा है। आप कोई भी ऑफिस में जाओ तो आपको ठप्पा मिलता है देखने के लिए। ठीक है, हाँ तो ये क्या है? ठ से ठप्पा। ठ से ठप्पा, तो ये से ठप्पा, ये तो मैंने आपको अभी यहाँ पे बना के दिया है, लेकिन वो रियल में कैसे होता है मैं वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। हाँ तो सबसे पहले टसे टमाटर तो आपने लिखा है, लेकिन वो कैसे होता है ये तो मैंने आपको पूछा है, लेकिन मेरे पास टमाटर भी है आपको दिखाने के लिए। दिखाओ। ठीक है, तो देखो फिर, ये क्या है? टमाटर। ये क्या है? टमाटर है। हाँ है ना रेड कलर का? हाँ ऊपर ग्रीन है ना? हाँ देखो कितना अच्छा टमाटर है। तो ये है ट से टमाटर। तो उसके बाद बताया मैंने आपको ट से टमाटर के बाद ठ से थप्पा। हाँ देखो मैंने भारत
संतोष का पप्पा निकाला है। निकाला है ना? हाँ, लेकिन अपने स्कूल में भी है। अपने स्कूल का नाम का? हाँ दिखाओ। मैं ठीक है, देखो ये है ना पप्पा। हाँ, अपना स्कूल का नाम यहाँ पे लिखा है, है ना? वैसे बनाया ना मैंने। हाँ देखो ऐसे बनाया बनाया ना ऐसे भी। हाँ लेकिन मैंने भारत देश का बनाया है, ये अपने स्कूल का है ना? अभी समझ में आया ठप्पा किसको बोलते हैं? था ठीक है फिर तो ठ से ठप्पा। लेकिन ठ से ठप्पा कैसे लिखते हैं वो अभी देखेंगे। चलो फिर सबसे पहले स्लीपिंग लाइन दिए, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन दो छोटी देना, उसके बाद ऐसे हाफ सर्कल बनाना है उसको। हो गया आपका ठ से ठप्पा, हो गया ना? हाँ तो ये आपका ठ से ठप्पा कंप्लीट हो गया है। देखो ये ठ से ठप्पा कंप्लीट हो गया है, हो गया ना? हाँ चलो ये लाइन पूरी कंप्लीट करेंगे। ओके तो और लिखेंगे, सबसे पहले स्लीपिंग लाइन, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन, बाद में उसको सर्कल करेंगे। तो तैयार हो गया फसे ठप्पा। और फसे ठप्पा है ना? हाँ इजी है, फसे ठप्पा है ना? हाँ ये अच्छा नहीं निकला क्या? और अच्छा बनाएंगे इसको। ठसे ठप्पा और एक निकालेंगे। ठीक है ठसे ठप्पा, तो ये तैयार हो गया आपका। ठसे ठप्पा कैसे लिखते हैं वो मैंने आज आपको बताया। तो कौन से दो वर्ण आपने बताया आज पढ़े हैं? ठसे टमाटर, ठसे ठप्पा। ओके तो चलो फिर बाय।